लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज इटावा में एक कार्यक्रम में विधानसभा चुनावों को लेकर ये साफ कर दिया है कि वह छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ भी गठबंधन करेंगे। इटावा कोऑपरेटिव बैंक के 71वें वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर ये साफ कर दिया है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया छोटे छोटे दलों के साथ एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के दल के साथ गठबंधन करेगी। कहीं ना कहीं इशारे इशारे में समाजवादी पार्टी और अपने भतीजे अखिलेश यादव को ये साफ कर दिया है कि उन्हें किसी कृपा की जरूरत नहीं है, वे अपने छोटे छोटे दलों के साथ ही विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और भाजपा से मुख्य लड़ाई लड़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी को भी दाई के हासिया तक पहुंचाएंगे। और श्री राम बाबू यादव जी, पूर्व मंत्री औरैया जी का स्वागत करें। तालियां बजा। अलायंस नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी मजबूरी है, बच्चा बहुत जरूरी है। यूपी की पार्टी रहेगी, शादी के चुनाव चिन्ह रहेगा। अब तो इंतजार बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब जैसे अब ऐलान करेंगे, छोटी छोटी पार्टियों को भी जोड़ेंगे और एक कम से कम एक बड़ी पार्टी से भी ऐलान करेंगे। और ऐलान जब हो जाएगा फिर पता चल जाएगा सबको अपनी अपनी हैसियत, सबको पता चल जाएगा। बस हम ये चाहते हैं कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहे और सरकार में जब रहेगी तब किसानों के सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी।